का दोस्तों भारत माता की जय। कितनी बड़ी जंग हो, कितना ही बड़ा मिशन हो, फतेह जब तक नहीं हो सकती जब तक कमांडर के जो सोल्जर होते हैं, जो जवान होते हैं, उनका जज्बा कमांडर जैसा ना हो। आज आपने अभी देखा शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी स्क्वाड, पूरी टीम, एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की टीम्स, हमारी सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर जो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं कोरोना के, जो कोरोना के डेड बॉडी की सेवा कर रहे हैं, सारे वॉलंटियर्स आज हमारा मोराल बढ़ाने यहाँ पर आए हमारे घर के नीचे। आज ही मेरे फादर साहब जितेंद्र सिंह शेट्टी, मेरी मदर, मैं, मेरा ब्रदर मनीष, हम चारों आज ही अपना हमारा जो क्वारंटीन पीरियड है वो ख़त्म हो गया और आज हमने कई दिन के बाद घर से बाहर प्यार निकाला। तो आज हमारी टीम्स ने हमारा मोराल बढ़ाने के लिए हमारी सारी एम्बुलेंसेस, एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स आपके सामने, हमारी सारी अभी जो टीम्स थी हमारा मोराल बढ़ाने के लिए हमारे को हमारे घर के बाहर आई और हमारा उन्होंने बहुत हमको इतनी खुशी है, उन्होंने हमारा इतना मोराल बढ़ा दिया और बहुत जल्दी हम ठीक होकर फील्ड में वापस आने के लिए तैयार हैं। और मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती। दीज मेंबर्स, दीज वॉलंटियर्स, दीज टीम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह सेवा। आई वुड लाइक माई फादर शेंडी जी टू, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सारे वॉरियर्स का जिन्होंने हमारे बीमार होने के बावजूद सारी सेवाओं को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, हमारे वॉलंटियर सेवा दल के सारे मेंबर्स। और दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ देशों विदेशों में रहने वाले सभी हमारे चाहने वाले लाखों करोड़ों वो देशवासी और NRIs जिन्होंने बहुत दुआएं की, अरदास की, प्रार्थना की मंदिर में और इस भयानक बीमारी में से लड़ाई करके, उस लड़ाई में जीत कर हम उस कोरोना को हरा के हम बाहर आए और ईश्वर ने हमारे को इतनी शक्ति दी कि आज हम ठीक होकर होने के कगार पर हैं। और कितने दिन का जो क्वारंटाइन हमने काटा घर के अंदर रह के वनवास के रूप में, दोस्तों की आशीर्वाद के सहारे, उनकी आशीषों के सहारे हम आज बिल्कुल सफल होने में कामयाब हुए हैं। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल SBS फाउंडेशन की तरफ से सभी अपने चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत जल्द हम अपने फिर सेवा में लौटने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी जो टीम्स अभी यहाँ से गई, जिन्होंने हमारे पॉजिटिव होने का, हमारे क्वारंटीन पे होने का सेवाओं पर असर नहीं पड़ने दिया, पेशेंट्स की सेवा, डेड बॉडी की सेवा बिल्कुल डटकर निभाई। और हमें फ़ख्र है जी हमारे ऐसे टीम्स पर, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स पर, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स पर। शहीद भगत सिंह सेवा दल, मैं तो यही कहूँगा ये हमारी आर्मी है, ये हमारे सोल्जर है जो ऐसी सेवा कर रहे हैं कोरोना की डेड बॉडी की, जो अपने भी आजकल हाथ नहीं लगाते हैं डेड बॉडी की, कोरोना के सुन के नाम भाग जाते हैं। ऐसी लाशों का दाह संस्कार हमारे ये योद्धा, हमारे ये सोल्जर, हमारे ये जवान करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज हमारा मोराल बूस्ट कर दिया और अब बस कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग वापस फील्ड में बिल्कुल फिट फाट होकर आएंगे और फिर से सेवा का चार्ज संभालेंगे। दोस्तों मैं अपनी तरफ से और अपने योद्धाओं की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ देशवासियों के लिए, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन है। धन्यवाद। मैं भी फादर साहब ने जो अभी कहा उसमें मैं भी एक ऐड करना चाहता हूँ कि हम तो वो वृक्ष हैं जो ज़माने के काम आएंगे, सूख भी के कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। भारत माता की जय। सेवा में लगे हैं कल से, हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। थैंक यू।